ओके सो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा और अभी एक स्टूडेंट ने आपके सामने रिवाइज भी किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ये स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टेट द हाइपोथेसिस व्हिच इंक्लूड्स योर नल हाइपोथेसिस एंड योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, उसको आप लिखते हैं। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इन दोनों में से क्लेम कौन सा है, और क्लेम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखते हैं कि आपका सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। एंड थर्ड स्टेप पे आप ये देखते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने जेड टेस्ट यूज किया, टी टेस्ट यूज किया, जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने काई स्क्वेयर टेस्ट यूज किया। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप जो भी अप्रोप्रिएट टेस्ट होता है वो यूज करके टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है कैलकुलेट करते हैं, एंड देन यू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में आप इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं कि यू हैव टू रिजेक्ट और रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में आप कोई डिसीजन लेते हैं, और फाइनली जो कंक्लूजन होता है अबाउट द क्लेम, आप क्लेम के बारे में आप कंक्लूजन जो है उसके बारे में बताते हैं कि क्या उसके बारे में एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है, उसको टेस्ट करके तो आप ये बताते हैं। तो ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो करने के काबिल हो जाते हैं। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट मोस्ट ऑफ यू कैन डू दिस, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं आती है और बहुत मुश्किल से आती है। तो गुड दैट यू हैव पुट सम एफर्ट इनटू इट एंड नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये स्टेप्स जो है ये आपको आते हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट हैं, जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, काई स्क्वेयर टेस्ट है, एफ रेशियो टेस्ट है, उसके बाद फिर कोरिलेशन और रिग्रेशन के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। तो सिर्फ जरूरी नहीं कि वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो। चैप्टर नंबर 8 वाज अबाउट वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ वी डू टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो चाहे सैंपल एक हो, चाहे दो हो, या दो से ज्यादा हो, वी कैन यूज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो स्टेप्स हैं वो सेम है। आई मीन इफ यू वॉन्ट टू डू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो सबसे पहले रिसर्चर क्या करता है, इफ यू आर अ रिसर्चर, तो सबसे पहले आप ये स्टेट करते हैं कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, स्पेशली आपका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वही आपका क्लेम होता है। उसके बाद फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रैक्टिकल लाइफ में 95% होता है। ये दोनों डिसाइड करने के बाद चीजें एक सैंपल साइज कैलकुलेट किया जाता है। हमने जब इंटरवल एस्टिमेशन का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सैंपल साइज कैलकुलेशन भी पढ़ी थी, तो वही कॉन्सेप्ट्स यूज करके आप सैंपल साइज कैलकुलेशन करते हैं, और वो जो सैंपल साइज आप कैलकुलेट करते हैं उसके बाद आप फिर डाटा कलेक्शन करते हैं। अपने सैंपल से डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर आप टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो रन करते हैं और अपने कंक्लूजन जो है उनको पब्लिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च। So, we are talking about two sample hypothesis testing today. Again, there was a question जो कि हमने hypothesis testing के start में discuss करना शुरू किया था, which was about proximal humerus fractures. और उसमें we had two different types of treatments. One was to operate through a surgery, and number two was to provide some physio interventions. और हमारे पास data available है कि कितने लोग जो हैं वो इम्प्रूव करके एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से, और कितने लोग इम्प्रूव नहीं कर सके। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 1 और 2, ये क्वेश्चंस आंसर करने के लिए इस चैप्टर में जो प्रोपोर्शन टेस्ट यूज होगा, बिकॉज टू सैम्पल्स आर देयर। दो सैम्पल्स कौन से हैं, एक सैम्पल है उन लोगों का जो कि ऑपरेटिव मेजरमेंट्स जो है वो लेते हैं, जो कि ऑपरेटिव सर्जरी जो है उसमें जाते हैं, और दूसरा सैंपल किन का है जो कि फिजियो ओनली वाले हैं। तो वी हैव टू डिफरेंट सैंपल्स। तो जो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा वो था वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उससे यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कैन नॉट बी सॉल्व विद दोस पर्टिकुलर यू नो प्रोसीजर्स। इसके लिए आपको टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग चाहिए, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ, वो ये कि आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है,
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होती है? सैम्पल मीन्स की। तो सैम्पल मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होती है, उसके बिल्कुल सेंटर में आपका मीन होता है। फिर कुछ ऐसे मीन्स होते हैं जो कि आपकी लेफ्ट टेल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, और कुछ की एक्सट्रीमली हाई होती है, वो राइट टेल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब अगर हम इंटरवल एस्टिमेशन की बात करें, उसके बाद हमने इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के बाद, तो उसमें हमने बताया था कि 95% जो है वो डेटा टू स्टैंडर्ड डेविएशंस के दरमियान होता है। तो अगर मैं 95% डेटा को देखता हूँ, ठीक है, तो 95% मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिजल्ट्स में 95% कॉन्फिडेंट हूँ। इस सिचुएशन में अगर मैं 100 सैंपल्स लेता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि जो मेरा यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ पे मैं एक सॉलिड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 100 times सैम्पलिंग करता हूँ, एक पॉपुलेशन है उसमें से 100 सैंपल्स लेता हूँ, तो 95% ऑफ द टाइम क्या होगा कि जो मेरा मीन होगा सैंपल का, उसका अगर मैं इंटरवल एस्टिमेशन करूँ, उसका इंटरवल क्रिएट करूँ, तो 95% ऑफ द टाइम जो मीन्स होंगे वो इस 95 के एरिया में फॉल करेंगे, लेकिन 100 में से 5 मीन ऐसे होंगे जो इन एरिया से बाहर फॉल करेंगे, ठीक है, ओनली 5 ऑफ देम, बाकी 95 जो है वो इन्हीं एरियाज में फॉल करेंगे। मतलब ये कि ये जो 95% एरिया है, इसको मैं शेडेड कर देता हूँ, 95 सैंपल्स का जो मीन होगा वो इन एरियाज में फॉल करेगा। तो ये जो एक पर्टिकुलर इमेज है, ये जो मैंने जो कुछ भी अभी ड्रॉ किया है, ये मुझे मीन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करता है। मीन के अलावा मैं वेरिएंस को भी इसी तरह प्लॉट कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को भी इसी तरह प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए कि किस वेरिएबल की होती है, रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्पेशली जब आपका सैंपल साइज जो है वो मोर देन 30 होता है। जब आपका सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो सैंपल्स भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प करते हैं वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो यहाँ पे हम दो सैंपल्स हैं हमारे पास, तो एक सैंपल का एक्स बार होगा और दूसरे सैंपल का एक्स बार होगा, एक्स बार वन एंड एक्स बार टू। तो हमारे पास दो डिफरेंट मीन्स होंगे, दो डिफरेंट सैंपल्स के दो डिफरेंट मीन्स होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉपुलेशन है या हमारे पास मल्टीपल पॉपुलेशंस हैं और उनमें से हम दो दो सैंपल्स लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम दो दो सैंपल लेंगे तो उनका डिफरेंस देखेंगे आपस में, एक्स बार वन और एक्स बार टू का डिफरेंस देखेंगे। तो जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हमने प्रूव किया था, वैसे ही जो दो सैंपल मीन्स का डिफरेंस होता है उसको भी जब आप एग्जॉस्टिवली प्लॉट करते हैं, मतलब सारे सैंपल्स लेने के बाद उनके डिफरेंसेस कैलकुलेट करने के बाद प्लॉट करते हैं, तो उसकी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनती है। ये भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को ही यूज करता है। तो अभी भी जब हम टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो उसमें भी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज करेंगे। सो इसमें जो पहला टॉपिक है, अगेन देर आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट आर न्यू, बहुत कम ऐसी चीजें हैं इस चैप्टर में जो नई हैं, बहुत सारी चीजें वही हैं जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी हैं। आपको पता है कि लार्ज सैंपल्स क्या होते हैं, जिनका सैंपल साइज इज इक्वल टू अ ग्रेटर देन 30। अब यहाँ पे वर्ड आ गया इंडिपेंडेंट, तो सैंपल्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं? देखें, अगर मैं डीपीटी के 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ किसी नेशनल एग्जामिनेशन के लिए, नेशनल टेस्टिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक कंपटीशन हो रहा है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, उसमें 25 स्टूडेंट्स में सिलेक्ट करता हूँ डीपीटी से, और 25 स्टूडेंट्स में सिलेक्ट करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में से, तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं दे आर डिफरेंट, सिविल इंजीनियर्स एंड डीपीटी स्टूडेंट्स दोज आर डिफरेंट,
ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, ये दोनों सैंपल्स दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर. डिपेंडेंट सैंपल्स भी होते हैं. अब डिपेंडेंट सैंपल्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं डीपीटी के 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, उन्हें मैं पहले एसे राइटिंग का एक कोर्स करवाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि एसे राइटिंग के कोर्स से पहले उनकी प्रोग्रेस क्या थी और बाद में प्रोग्रेस क्या थी. 25 स्टूडेंट्स आर सेम, दे आर दी सेम स्टूडेंट्स, उनको मैंने बस एसे राइटिंग के कोर्स से पहले देखा और बाद में देखा, सेम स्टूडेंट्स. तो दैट इज डिपेंडेंट सैम्पल. यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है कि मैं एक ही सैम्पल एलिमेंट की दो रीडिंग्स ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टोटल 50 रीडिंग्स आएंगी, 25 टेस्ट से पहले और 25 टेस्ट के बाद, तो वो कहलाता है डिपेंडेंट सैंपल. तो अभी हम क्या देख रहे हैं? इंडिपेंडेंट सैंपल्स को, जहां पे दो सैंपल्स मुख्तलिफ पॉपुलेशन से आते हैं, तो उनमें भी हम लार्ज सैंपल्स को देख रहे हैं. तो वी आर टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स वी विल टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्स बार वन एंड एक्स बार टू. तो आपको पता है कि हमारे जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स हैं वो क्या हैं. सबसे पहले हमने जो हाइपोथेसिस है उसको स्टेट करना होता है. तो यहाँ पे हम कैसे हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे? वी विल से दैट, मैंने कई बार आपको बताया कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पहला स्टेप होता है, उसमें जब आप हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं तो आप पैरामीटर्स के बारे में लिखते हैं. तो मीन का पैरामीटर क्या होता है? म्यू. तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं एच नॉट विच इज नल हाइपोथेसिस एंड H1 which is alternative hypothesis. तो हमारा एक hypothesis ये हो सकता है that mu1 is equal to mu2. ठीक है, और फिर हमारा alternative hypothesis क्या होगा? mu1 is not equal to mu2. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि for example हमारे पास अगर दो मुख्तलिफ population हैं, दो samples आ रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से दो सैंपल्स आ रहे हैं, तो बेसिकली वो दोनों पॉपुलेशन का जो मीन है वो इक्वल है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये होगा नल हाइपोथेसिस. इक्वालिटी साइन होता है नल हाइपोथेसिस में, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके उलट होगा. अब यही हाइपोथेसिस हम एक मुख्तलिफ तरीके से भी लिख सकते हैं. एच नॉट में हम लिख सकते हैं दैट mu1 and mu2. Basically हम ये लिख सकते हैं कि the difference between mu1 and mu2 is zero. So I think उसको next में हम देखते हैं यहाँ पे लिखा होगा. राइट, सो यहाँ पे तीन यही वाले इसी तरीके से लिखा है, बट बुक में एक और तरीके से भी आपको बताया गया. तो बेसिकली हमारे पास तीन टेस्ट हो सकते हैं. देयर कैन बी अ टू टेल टेस्ट. टू टेल टेस्ट में आपके सामने इक्वालिटी का साइन होगा नल हाइपोथेसिस में, और इनइक्वालिटी का साइन होगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में. एंड वी कैन हैव वन टेल्ड टेस्ट. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वन टेल टेस्ट. There is a right tail test. So we have this right tailed test, जहाँ पे हमारे पास alternative hypothesis में greater than का sign होता है, and we can have left tailed test, जिसमें हमारे पास less than का sign होता है alternative hypothesis में. तो इस तरह से हम hypothesis को state करेंगे. Again, क्योंकि ये two sample hypothesis testing है, तो इसमें आपको दो parameters को आपस में compare करना है. तो पहला स्टेप ये होगा. अब दूसरे स्टेप में अगेन आपने अपना अल्फा लेवल देखना है कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है. सो इफ यू हैव अल्फा ऑफ 0.05 और उसको अगर वन टेल में यूज करेंगे तो सेम यूज करेंगे, अगर टू टेल होगा तो उसको दो पे डिवाइड करेंगे. कुछ चीजें जो कि आपने जेड टेस्ट के लिए पहले भी देखी थी, टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी वही चीजें देखेंगे. नंबर वन, द सैंपल्स मस्ट बी रैंडमली सिलेक्टेड, कि जो डेटा होगा सैंपल्स का वो रैंडम सैम्पलिंग से आना चाहिए. नंबर टू, सैंपल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट. टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट इफ द सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम वन पॉपुलेशन इज नॉट रिलेटेड टू द सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड पॉपुलेशन. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पेशेंट्स का डेटा लेते हैं, तो आप अगर पिम्स से और होली फैमिली से
डेटा लेंगे तो जो सैंपल आप पिम्स से कलेक्ट करेंगे वो इंडिपेंडेंट है जो सैंपल आप होली फैमिली से कलेक्ट करेंगे उससे। इसी तरह अगर आप मल्टीपल स्कूल्स का डेटा लेते हैं, यूनिवर्सिटीज का डेटा लेते हैं, तो कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी का जो सैंपल आप लेंगे वो डिफरेंट होगा बस इन यूनिवर्सिटी के सैंपल से, तो दे विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। नंबर थ्री इज बिकॉज वी आर डूइंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर लार्ज सैंपल्स, सो देर शुड बी एटलीस्ट 30, कम से कम 30 आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए इन ईच सैंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सैंपल वन इट शुड बी एटलीस्ट 30 एंड योर सैंपल टू दैट शुड ऑल्सो बी एटलीस्ट 30। अगर किसी में भी 30 से कम है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। ठीक है, अगर तो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है तो फिर आप जेड टेस्ट यूज करेंगे, और अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपके पास सिग्मा अननोन है तो फिर आप टी टेस्ट यूज करेंगे। ओके, सो इफ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट, जो अभी हमने बात की ये रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी हो जाती हैं, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मीन डिफरेंस, इसको हम मीन डिफरेंस भी बोलते हैं, द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स भी बोलते हैं। हमारे पास दो सैंपल्स है ना, तो एक्स बार वन और एक्स बार टू, ये डिफरेंस हमने देखना है, इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका जो दो सैंपल्स का जो डिफरेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पॉपुलेशन है बेसिकली, तो उनमें से अगर हम बार बार सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनेगी, तो उसी को यूज करके हमने टेस्ट करना है। और हमने ये भी देखना है कि स्टैंडर्ड एरर क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखें, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो दो है, दो डिफरेंट सैंपल्स हैं, तो x बार वन और x बार टू का हम डिफरेंस देखेंगे। तो x बार वन और x बार टू का डिफरेंस बेसिकली म्यू वन एंड म्यू टू का डिफरेंस है, ये दोनों पैरामीटर है, पॉपुलेशन वन का मीन है म्यू वन, पॉपुलेशन टू का मीन है म्यू टू। तो हम हाइपोथाइज ये कर रहे होते हैं, हमारा नल हाइपोथेसिस ये कहता है दैट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो, कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे नल हाइपोथेसिस ये स्टेट कर रहा होता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये कह रहे होते हैं कि म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अब जो टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से और डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड एरर पे। तो ये फॉर्मूला है जो अक्सर हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहाँ से आएगी, हमने दो मुख्तलिफ सैंपल्स लिए हैं उनके मीन को हमने देखा, तो दोनों सैंपल्स के जो मीन है वो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है उनकी जो पॉपुलेशन मीन्स है, जो पैरामीटर्स है म्यू वन माइनस म्यू टू, और हमारा स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर ये है जी, हमारा स्टैंडर्ड एरर आपको याद होगा कि एक सैंपल ये जब हम यूज करते थे तो उसके लिए सिग्मा डिवाइड बाय हु इज दिस स्टूपिड गाय, डू यू नो, कि मैं आपका नाम सारी क्लास के सामने ले सकता हूं, डोंट डू दिस, डोंट एनोटेट इट, ओके, आई एम गोना डिसेबल दिस नाउ। ऑलराइट, सो जब हम एक सैंपल की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते थे तो हमारा स्टैंडर्ड एरर क्या होता था, सिग्मा डिवाइड बाय एन। तो वी हैव टू सैंपल्स हियर, सो वी विल हैव टू सिग्मा डिवाइड बाय एन, वेयर वी हैव व्हाट, हमारे पास दो सिग्मा है, एक पॉपुलेशन का एक सिग्मा और दूसरे पॉपुलेशन का दूसरा, सो हम लिखेंगे सिग्मा वन सिग्मा टू डिवाइड बाय एन वन एंड एन टू, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज हम स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरियंस ले रहे हैं तो यहाँ पे हम अंडर रूट पीस में, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन से हम फिर इसको टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, एवरीबॉडी कैन सी द क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आई एम नॉट हियरिंग यू Guys, you are focusing or not?
आप फोकस कर रहे हैं कि नहीं? यस सर, नजर आ रहा है। ओके, सो आई एम गोना एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अ हाई स्कूल मैथ टीचर, देयर इज अ हाई स्कूल मैथ टीचर क्लेम्स दैट स्टूडेंट्स इन हर क्लास विल स्कोर हायर ऑन द मैथ प्रोपोर्शन ऑफ एसीटी देन स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज मैथ क्लास। तो ये एक हाई स्कूल की टीचर है, वो ये कहती है कि उसकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कोलीग्स, यानी उसकी जो कोलीग है, दूसरी टीचर है, उसकी जो मैथ की स्टूडेंट्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये उसका क्लेम। तो क्लेम ही आपको ये बता रहा है कि वो बेहतर, यानी ग्रेटर देन के बारे में, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रही है। अब वो कहती है द मीन एसीटी मैथ स्कोर फॉर 49 स्टूडेंट्स इन हर क्लास। उसकी क्लास में 49 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और उनका जो मीन टेस्ट स्कोर है वो है 22.1 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 4.8। अब जो कलीग की मैथ क्लास है उसकी बात, दूसरा जो टीचर है उसकी क्लास में देर आर 44 स्टूडेंट्स, उनका मीन है 19.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.4। सो बेसिकली हमारे पास दो क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस के दो सैंपल्स हैं और एक में 49 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में 44 स्टूडेंट्स हैं। एक का मीन 22.1 है, दूसरे का मीन 19.8 है। एक की स्टैंडर्ड डेविएशन 4.8 है, दूसरे की 5.4 है। तो ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है और हमने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को एट अल्फा लेवल 0.10। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे। यहाँ पे देखें म्यू वन इज लेस देन इक्वल टू म्यू टू, क्योंकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्लेम है, उसने ये कहा है कि जो उसकी क्लास का एवरेज है वो दूसरी क्लास के एवरेज से ज्यादा है। तो ये उसका क्लेम है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ की, जो हमें हमेशा ड्रॉ करना चाहिए। तो ये ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि ये जो 0.10 अल्फा वैल्यू है ये राइट टेल में, क्यों? बिकॉज वी हैव अ टेस्ट विच इज वन टेल राइट टेल टेस्ट। तो राइट टेल में हमने अल्फा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की, तो जेड की वैल्यू टेबल से देखी 1.28 आती है। उसके बाद हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करनी है। दिस इज वेरी इजी। नंबर वन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें x1 बार माइनस x2 बार, एक मीन पहले उसकी क्लास का मीन जो है उसमें से दूसरी क्लास का मीन माइनस कर देंगे, माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू। अब ये जो प्रोडक्ट है म्यू वन एंड म्यू टू, दिस विल ऑलवेज बी जीरो। इसको आप हमेशा जीरो लिखेंगे क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि मीन वन इज इक्वल टू मी टू, तो इसलिए हम इसको जीरो लिखते हैं। अगर ये दोनों मीन इक्वल हो तो इनका आंसर जो डिफरेंस है वो जीरो आता है। डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला यूज करके हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया है, तो ये स्टैंडर्ड एरर है 1.0644। तो हमारे पास जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या आ गई? जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई 2.161। अब इसको हमने यहाँ पे देखा कहाँ पे? तो ये ऑब्वियसली रिजेक्शन रीजन में फॉल करी है, तो वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे वी हैव इनफ सपोर्ट, इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम ऑफ दिस पर्सन। तो इस टीचर का क्लेम बिल्कुल ठीक है, इसकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट सिग्निफिकेंटली बेटर है इसकी कलीग्स की क्लास में जो लोग हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई? यस सर। यस सर। सो दिस इज वेरी इजी, क्योंकि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सारे स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूला एक्सपैंड हो गया दो सैंपल्स के लिए। तो आपने बस वही उसी तरह से दो सैंपल्स की वैल्यूज को देखना है और फॉर्मूला में पुट करना है, बाकी प्रोसीजर वही है। उसी तरह आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करनी है, अल्फा का जो एरिया होगा उसको हाईलाइट करना है, फिर अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को आपने अपनी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉट करना है और देखना है, कंपेयर करना है कि वो कौन से रीजन में है, वो एक्सेप्टेंस रीजन में है या रिजेक्शन रीजन में है। अगर वो रिजेक्शन रीजन में है तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर अपना रिजल्ट लिख देंगे। ओके ओके सर। और इसी क्वेश्चन को आप पी वैल्यू से भी कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि पी वैल्यू से कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? देखें आपके पास जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या है, 2.161 नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस वैल्यू को आप टेबल में देखेंगे ना, जेड
जेड डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी वैल्यू आ जाएगी इसकी. जेड डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में 2.161 की जो वैल्यू होगी वो आपकी पी वैल्यू होगी. अब उस पी वैल्यू को आप माइनस वन नहीं करेंगे. हाँ माइनस वन करेंगे बिकॉज यहाँ पे आप राइट टेल में देख रहे हैं. राइट टेल टेस्ट है. लेकिन माइनस वन किसको करेंगे, पी वैल्यू को करेंगे जो आप टेबल में से देखेंगे. यस सर. हाँ तो उसको आप फिर अल्फा वैल्यू से कंपेयर करेंगे. यस ठीक है. तो पी वैल्यू से भी ये कर सकते हैं. तो नथिंग न्यू. ऑलराइट नेक्स्ट इज कि अगर आपके पास स्मॉल सैंपल्स हो तो अगेन दैट इज वेरी इजी. सेम प्रोसीजर. आपको भी पता है कि स्मॉल सैंपल्स के लिए हम टी टेस्ट यूज करते थे. तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा. हमारे पास दो सैंपल्स हैं तो दोनों सैंपल के मीन एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू. अगेन म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे तो हम जीरो यूज करेंगे. तो ये दोनों और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. अगर वो अननोन होगी तो हम फिर एस का इस्तेमाल करेंगे. एस एस्टिमेट करता है सिग्मा को. एस इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अगर हमारे पास सिग्मा जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो हम एस यूज कर लेंगे जो कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है. यहाँ पे एक तरीका जो है वो है पूल्ड एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस का, जिसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें फॉर्मूला ये होता है. ठीक है. तो ये फॉर्मूला आपके सामने, आपको रटे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम आपका ओपन बुक होता है. तो ये सारे फॉर्मूलाज आपके सामने होंगे, आपको बस प्रोसीजर आना चाहिए. बाकी सेम जो है वो प्रोसीजर है. एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि आपने कब Z टेस्ट यूज करना, कब T टेस्ट यूज करना है. सबसे पहले आपने ये देखना है कि दोनों सैंपल जो हैं क्या उनका सैंपल साइज मोर देन 30 है या नहीं, 30 या इससे ज्यादा है या नहीं. इफ यस देन यूज Z टेस्ट. अगर किसी एक सैंपल का भी सैंपल साइज लेस देन 30 है देन आपने देखना है कि दोनों जो पॉपुलेशन है आपकी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं. अगर तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो फिर आप नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा नोन है या नहीं. अगर तो सिग्मा नोन है तो फिर आप जेड टेस्ट यूज करते हैं. और अगर आपका सिग्मा इज अननोन तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप टी टेस्ट यूज करते हैं, ये जो अभी हम टेस्ट इस्तेमाल करेंगे. और अगर आपकी पॉपुलेशन में से, दोनों पॉपुलेशन में से कोई एक पॉपुलेशन भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप जेड टेस्ट भी यूज नहीं कर सकते और टी टेस्ट भी यूज नहीं कर सकते. उसके लिए फिर हम यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स. ठीक है. तो इसकी एक प्लेलिस्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. वो अभी आपके लिए देखना जरूरी नहीं है, उसको मैंने इस कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया. ठीक है. तो वो हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं. लेकिन फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है. वही सेम कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वहाँ पे भी. तो टी टेस्ट यूज करते हैं. जे टी टेस्ट के हमने पहले ही स्टेप्स देखे हुए हैं. क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास दो सैंपल्स हैं और हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमें बताती है कि ये टू टेल टेस्ट है, इसलिए हमने अपने अल्फा को दो पे डिवाइड किया है. जो हमारा क्लेम है वो भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का है. यहाँ पे उसने बेसिकली बताया कि रैंडम सैंपल ऑफ 17 पुलिस ऑफिसर्स has an annual average income of 35,800 and standard deviation of this. तो ये एक सैंपल हो गया. दूसरा ग्रीनविल का, एक ब्राउनविल का सैंपल है और दूसरा ग्रीनविल का सैंपल है जिसमें 18 पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी एनुअल इनकम इतनी, एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी है और इतने अल्फा पे आपने ये क्लेम जो है. तो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशंस और जो आपके पास एवरेजेस हैं एक्स बार वन एक्स बार टू उनको फॉर्मूला में पुट करना है. टी की वैल्यू को देखना है. टी की वैल्यू को आपने जो आपने अल्फा की वैल्यूज हैं टी की उनसे कंपेयर करना है तो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगी. तो सिंपल एज दैट. आई थिंक दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट बिकॉज द सेम कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड अप टिल हियर. तो बाकी ये है कि आपका जो जूम का सेशन है 40 मिनट्स का ये खत्म हो रहा है. मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ तो आपके क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस करते हैं और इनको फर्दर जो है एक्सप्लोर करते हैं. ओके ओके सर.